हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस इसी चीज को लेकर आते हैं कि कनाडा का सबसे आसान और सबसे फास्टेस्ट इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम कौन सा है। अगर सबसे आसान की बात की जाए, चाहे वो पीएनपी हो, एआईपीपी हो, एक्सप्रेस एंट्री हो, या तो फिर बिल्कुल फ्रेश लोगों के लिए हो जिन्होंने आज तक कभी इमिग्रेशन का नाम भी नहीं सुना, ना उन्होंने कभी विजिट के लिए किसी के लिए अप्लाई किया है, उन सबके लिए ये एक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम सबसे ज्यादा बेस्ट है। और यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस हैं, ये नवंबर की 1 तारीख से ओपन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम का नाम है रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। अब यहाँ पे सीन ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पर हर कोई अप्लाई कर सकता है, चाहे वो फ्रेश हो, चाहे वो कभी भी किसी कंट्री में विजिट करने नहीं गया हो, उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री इतनी खास ना हो, बैंक स्टेटमेंट इतना ज्यादा नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, आइल्स इतना ज्यादा नहीं चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक वाले लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर इंटरमीडिएट चाहिए, क्योंकि कनाडा की जो मैट्रिक लेवल की जो एजुकेशन है वो इंडिया और पाकिस्तान की इंटरमीडिएट मानी जाती है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर आप पीआर भी बिल्कुल आसानी ले सकते हो। मतलब कि आप पीआर पे ही वहाँ पे जाओगे और सिर्फ आपको करना ये होगा कि कुछ कम्युनिटीज कनाडा ने बनाई है, उनसे आपको रिकमेंडेशन लेनी है। इसके अलावा इसकी मजीद कोई भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अब यहाँ पे बात की जाए दोस्तों कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो सबसे पहले आप ये ऑनलाइन खुद अप्लाई कर सकते हो। किसी भी आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंसी की ज़रूरत नहीं है, कंसल्टेंसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो आपने पूरी करनी है वो है गेट अ रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन बिल्कुल आसानी मिल जाएगा। नवंबर की 1 से पोर्टल ओपन होंगे, मेरी वीडियो आ जाएगी कि किस तरीके से आपको रिकमेंडेशन देनी है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। सेकंड की बात की जाए तो आप क्वालिफाई हो वर्क एक्सपीरियंस के लिए। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 साल का, मतलब कि 1560 घंटे आपने काम किया हो, बस इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। मतलब कि होता है ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके अंदर आपके 1560 घंटे पूरे होने चाहिए। अगर 1560 घंटे आपके 1 साल में पूरे नहीं हो रहे तो भी आप 3 साल का लगा सकते हो एवरेज, कि 1560 घंटे अगर आपके पूरे हो रहे हैं तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बात की जाए नंबर 3 की, तो यहाँ पर है स्किल्ड जॉब चाहिए आपको कोई। अब बहुत सारे लोग यही सोचेंगे कि यार स्किल्ड जॉब किस तरीके से मिलेगी। मैंने आपको अभी जो है वो रिसेंटली एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी बताई थी जहाँ पर आप जाके बिल्कुल आसानी स्किल्ड लेवल जॉब हासिल कर सकते हो। वो सब कुछ आपके लिए करेंगे, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं लेंगे आपसे, नॉर्मली चार्ज लिया जाएगा और वो आपको स्किल्ड जॉब प्रोवाइड कर देंगे। तो अब ये भी चीज़ बिल्कुल आप आसानी फुलफिल कर सकते हो। अब नंबर 4 की बात की जाए तो आपको यहाँ पर चाहिए आइल्स। आइल्स के अंदर चाहिए 4.0 का स्कोर, जो कि मैक्सिमम लोगों का आ जाता है। बिल्कुल आसानी कि अगर आप वहाँ पर जाके लैंग्वेज कोर्स के लिए टेस्ट देते हो तो 5.0 का तो बैंड बनता ही बनता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे लोएस्ट है, वो है 4.0। उसके बाद बात की जाए दोस्तों नंबर 5 की, जो कि हाई स्कूल सेकेंडरी। जैसे कि मैंने बताया कि कनाडा की 10 लेवल की जो है वो आपको एजुकेशन चाहिए, मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया की इंटरमीडिएट बनती है। अगर आपने इंटर पढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल आसानी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो, और मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों ने इंटर किया हुआ ही होता है। अब यहाँ पर बात की जाए नंबर 6 की, तो आपको कुछ फंड चाहिए सिर्फ और सिर्फ शो करने के लिए। आपको कोई खर्चा नहीं करना उस फंड से, ना कहीं लगाने हैं, किसी चीज़ में आपको कोई खर्चा नहीं होगा। सिर्फ $8,000 आपने अपने अकाउंट में रखने हैं, सिर्फ फंड दिखाना है आपने कि मेरे पास इतना पैसा है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि ये कौन कौन सी कम्युनिटीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो अंटोरियो के अंदर भी है कुछ कम्युनिटीज़ जिसका मैं नाम वगैरह सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बिल्कुल आसानी आप देख सकते हो। टोटल 5 कम्युनिटीज़ हैं एंटोरियो के अंदर, वहाँ पर आप बिल्कुल आसानी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा मनीटोबा के अंदर भी जो है वो 5 कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर आप बिल्कुल आसानी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बात की जाए दोस्तों कि इसके अलावा आप स्किल्ड जॉब आपको कौन कौन सी चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ, चाहे NOC A लेवल हो, चाहे NOC B लेवल हो, C लेवल हो, D लेवल हो, या फिर O लेवल हो, टोटल 5 NOC लेवल्स होते हैं हमारे पास। आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप जाके अपना लेवल भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ सुन लो कि जो 0 NOC होती है, मतलब कि 0 लेवल की, उसके अंदर सब के सब मैनेजर्स आ जाते हैं। कोई भी किसी चीज़ का भी मैनेजर हो, वो जो है वो NOC लेवल 0 के अंदर आता है।
मतलब कि वो बिल्कुल आसानी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। उसके बाद बात की जाए ए की, तो ए के अंदर आता है डॉक्टर, डेंटिस्ट और इस तरीके के लोग आते हैं, तो वो ए कैटेगरी वाले भी इस प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल आसानी एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर बी के ऊपर आता है प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन है, इसके अलावा टाइलिंग वगैरह करने वाले लोग हैं, तो वो लोग भी जो है वो नंबर बी कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो लोग भी बिल्कुल आसानी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो लेवल सी है एनओसी का, उसके अंदर ट्रक ड्राइवर है, इसके अलावा दूसरे ड्राइवर्स हो गए, टैक्सी ड्राइवर्स हो गए, इसके अलावा और मजीद लोग हो गए, वो भी सी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए नंबर डी कैटेगरी की, जो कि बिल्कुल लोएस्ट है, जिसके अंदर फूड पिकर है, इसके अलावा आईटी स्पेशलिस्ट है, ग्राफिक डिजाइनर्स है, ये सारे लोग जो है वो डी कैटेगरी के अंदर काउंट होते हैं। दोस्तों मतलब कि आप चाहे एनओसी ओ लेवल में हो, ए में हो, बी में हो, सी में हो या डी में हो, आप बिल्कुल आसानी अपना एनओसी चेक करो और आप बिल्कुल एलिजिबल हो इस प्रोग्राम के लिए। सिर्फ आपको करना क्या है, नंबर वन पे गेट अ रिकमेंडेशन लेनी है, जो कि नवंबर की फर्स्ट से स्टार्ट कर दिया जाएगा और मैं आपको अप्लाई करने का बिल्कुल प्रॉपर प्रोसेस भी बता दूंगा। सेकेंड के अंदर आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस हो सिर्फ एक साल का। इसके अलावा थर्ड के ऊपर स्किल्ड जॉब चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट एजेंसी बताइए, वहां से आपको स्किल्ड जॉब्स बिल्कुल आसानी मिल जाएगी, वो कुछ चार्जेस लेंगे लेकिन आपको जॉब प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद नंबर फोर के ऊपर आपको आईएलटीएस चाहिए, जो कि 4.0 होगा। नंबर फाइव के ऊपर हाई स्कूल सेकेंडरी चाहिए, मतलब कि अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आप बिल्कुल आसानी अप्लाई कर सकते हो, और $8,000 फंड चाहिए। तो बस दोस्तों फंड आपको सिर्फ शो करना है, कहीं खर्च नहीं करना, किसी से अभी लेकर भी आप अपने अकाउंट में डाल के शो करवा सकते हो, देन फिर आप वहां जाने के बाद उसे वो पैसे वापस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।